नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। आइए डालते हैं सम्पत की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश बरेली जिले सरकारी प्राइमरी स्कूलों की हालत बद से बदतर। आपको बता दें, नवाबगंज तहसील के खंड शिक्षा अधिकारी की लापरवाही के चलते अधिकांश सरकारी प्राइमरी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारी का किसी विद्यालय के प्रिंसिपल पर किसी प्रकार का डर खौफ नहीं दिखाई देता है। अधिकांश विद्यालय में एक तो शिक्षकों की पहले से ही कमी है, वहीं दूसरी तरफ तहसील के अधिकांश विद्यालयों में शिक्षक समय से विद्यालय नहीं पहुंचते। सरकार ने विद्यालय में पठन पाठन का समय सुबह 8 बजे से 9 के बाद ही खुलते हैं। विद्यार्थियों के अभिभावक शिक्षकों की शिकायत करते करते थक गए हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज बरेली मीडिया कर्मियों ने कई गांव में जाकर देखा कि वास्तव में जिस तरह की शिकायत अभिभावक शिक्षकों की विद्यालय समय पर ना आने की करते हैं, क्या वह सही है? तो अभिभावकों की शिकायत सही पाई गई। जहां सरकार ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लाख जतन किए, लेकिन शिक्षक सुधरने का नाम नहीं लेते और उनकी इस लापरवाही को बल देते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालयों की दुर्दशा सुधारने के लिए कायाकल्प की योजना शुरू की, जिसके मार्फत प्रधान अपने अपने ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर विद्यालयों के कायाकल्प योजना के तहत सौंदर्यकरण कराएं। लेकिन कुछ प्रधानों द्वारा सौंदर्यकरण के नाम पर पैसा तो निकाल लिया गया, लेकिन विद्यालयों का कायाकल्प नहीं हुआ, जिससे ऐसे ही नवाबगंज तहसील के गांव सदरपुर का है, जिसमें पूर्व प्रधान ने विद्यालय के कायाकल्प के नाम पर धनराशि निकाली है, ऐसा गांव वालों का कहना है, लेकिन कायाकल्प नहीं हो पाया है। जबकि नए प्रधान जियालाल का कहना है कि जो भी कार्य विद्यालय अन्य स्थानों पर रह गया है, मैं उस कार्य को पूरा करूंगा। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। कौन से विद्यालय में पढ़ाते हैं? आपके स्कूल में कायाकल्प द्वारा कोई विकास कार्य हुआ है? आपके नॉलेज में है? मुझे नहीं, कोई काम नहीं है कायाकल्प की, कोई काम नहीं है। क्या काम होता है कायाकल्प में, इतनी जानकारी है? कायाकल्प में बस ये है कि जैसे यहाँ पे जो भौतिक सुविधाएं हैं, टाइल्स है या और भी चीज़ें हैं, काफी कम बकाया है। और ये जो बनवाया गया था उसका आंगनबाड़ी का दरवाजा भी बनवाया गया था, और ये कहा था कि आंगनबाड़ी के अंतर्गत आएगा, जो अभी शौचालय है। पर इसमें कुछ लगा तो है नहीं, ना टाइल वाइल कुछ नहीं, कुछ भी लगा वो नहीं है। इसका इलेक्शन से पहले जितना काम हो गया अपना हो गया, उसके बाद कोई काम नहीं। नहीं, प्रधान जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हो सकता है उसकी गारंटी ना हो या कोई प्रॉब्लम। और वो अपनी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। कब तक उम्मीद है नए प्रधान की? मैं कुछ नहीं कह सकता। आइडिया कुछ नहीं, कोई आइडिया। उम्मीद है पूरी करा सकते हैं, ये भी दिलासा मिलते रहेंगे। कोशिश तो कोशिश है, लाभ भी सकती है, नहीं ला सकती। नहीं, उम्मीद होती है वो समझाना।